आज हम आपको सिलीगुड़ी से थोड़े दूर एक बहुत ही खूबसूरत से होम स्टे का टूर देने वाले हैं। ये जगह स्पेशली उनके लिए जिन्हें नेचर से भरा एनवायरनमेंट पसंद है। आप यहाँ पर आकर डे आउट के साथ साथ स्टेकेशन भी एंजॉय कर सकते हो। वी आर इनवाइटेड हियर एट कुटुम्बारी होम स्टे, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी चलते अंदर, आपको होम स्टे दिखाएंगे, रूम दिखाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ का एम्बियंस भी दिखाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज, यहाँ पर आप अपने फर बेबीज को भी लेकर आ सकते हो। कम इस होम स्टे का ना मेरा फेवरेट स्पॉट दिखाती हूँ, आइए लुक एट दिस। कितना खूबसूरती से मैनेज करके रखा है यहाँ का गार्डन को। वहाँ पर बच्चों लोगों के लिए झूला के लिए भी अरेंजमेंट है। एंड वहाँ पर जो आप स्पॉट देख रहे हो, वहाँ पर अपना फूड भी इंजॉय कर सकते हो। गाइज ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, अगर आप यहाँ पर पिकनिक वगैरह इंजॉय करने आते हो ना, तो आप यहाँ पर डाइनिंग कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो स्पेस देख रहे हो ना, आपके लिए यहाँ पर बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका ज्यादा लोग आए हैं, ज्यादा लोग का पैक है, तो आप यहाँ पर खाना भी प्रिपेयर कर सकते हो। गाइज इतना खूबसूरत व्यू के साथ आपको यहाँ पर दो क्वीन साइज बेडरूम भी मिल जाएंगे। आइए हम आपको पहले रूम दिखा देते हैं। अब अगर बात करें रूम के बारे में, तो रूम काफी सिंपल येट बेसिक एंड स्पेशियस भी है। ऑल्सो गाइज ये होम स्टे अभी नया नया बना है, तो अगर आपको एक्साइटिंग ऑफर्स चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपको ऑथेंटिक बंगाली खाना खाना है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आना। अब अगर बात करें सेकंड रूम के बारे में, तो ये काफी सिमिलर है फर्स्ट रूम से एंड काफी स्पेशियस है। एंड एज आई सेड इट बिफोर कि ये जगह अभी नया नया बना है, तो यहाँ पर आपको मिरर नहीं लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि जल्दी लग जाएगा। यहाँ का इवेंट का एरिया, अगर आपको बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करना है, तो आप इस हॉल को बुक कर सकते हो। उसके साथ साथ ना यहाँ पर आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, आपका पर्सनल वॉशरूम, यू कैन चेक। अब मैं आपको प्राइसिंग बता देती हूँ। अगर आप कुटुम्बारी होमस्टे में आते हो, तो आपको पर हेड का डे आउट के लिए 1000 रुपीज पड़ेगा, जिसमें आपको एक रूम मिलेगा एंड फूड अवेलेबल नहीं मिलेगा। एंड अगर आप डे प्लस नाइट के लिए आते हो, तो आपको एक रूम मिलेगा जिसमें आपको फूड भी मिल जाएगा, लंच डिनर मिल जाएगा आपको 1500 रुपीज पर हेड में, लंच डिनर उसके साथ एक रूम एंड इवेंट का हॉल भी मिल जाएगा। अब अगर आप कह रहे हो यार नेहा मुझे ना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, तो अगर आपको ऐसे बुकिंग करना है, तो नीचे यहाँ पर इनका इवेंट का हॉल भी है, वो आप पूरा बुक कर सकते हो। अगर आपको बुक करना है, तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगी, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। गाइस यहाँ पर धनिया, पालक और एक और चीजें यहाँ पर बहुत मस्त फार्मिंग किया गया है। एंड विवेक को ना धनिया का चटनी खाने का मन कर रहा था, अभी हम लोग धनिया तोड़ने वाले हैं। वाओ गाइज, हमारा लंच लग चुका है, अब देखते हैं क्या क्या स्पेशल प्रिपेयर करा गया है हमारे लिए। तो एक बार आप फर्स्ट लुक देख लो, बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको एक एक करके सारे डिशेस का नाम बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं थाली पे, तो थाली में हमें सर्व करा गया है प्लेन राइस, बासुंदी पुलाव, एंड दिस इज शुक्तो, बीट बटा, फिश फ्राई एक मिर्ची, ओके। एंड यहाँ पर है मलाई चिंगरी कड़ी, एंड हेयर इज ग्रीन चटनी, जो हमने धनिया का पत्ता तोड़ा था ना, उसका एकदम ऑर्गेनिक चटनी यहाँ पर बन के तैयार है। दिस इज हरियाली चिकन, एंड यहाँ पर सैलेड लगाया गया है, फ्राइज है, एंड ड्रिंक में हमें सर्व करा गया है स्टार फ्रूट जूस। यहाँ पर है मूंग दाल, एंड हेयर इज सरसो पापड़। टेस्ट करते हैं, देखते कैसा है टेस्ट। गाइज हमने खाना खा लिया, एंड ट्रूली बताओ ना, तो मैंने अपने लाइफ में कभी इतना टेस्टी ऑथेंटिक बंगाली फूड कभी नहीं खाया था। एंड मेरा तो बहुत, मत पूछो यार, मेरा तो चिंगड़ी माछ भी खत्म कर दिया, ये भी मछली बहुत अच्छा था, उनको टेस्टी लगा ये मछली और ये मछली, और खाना तो भैया पूछो ही मत कितना रेटिंग दोगे। एक और चीज गाइज, आपको लग रहा होगा यहाँ पर सिर्फ आपको नॉनवेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर खाना रेडी करवा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन, तो आप यहाँ पर आपको वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दिन तो दिन गाइज, रात में भी ये जगह ना एकदम जन्नत दिखता है। गाइस अब मैं आपको इस खूबसूरत से होम स्टे का एड्रेस बता देती हूँ, जो कि है चाटकिया विट्टा नियर बॉयकुंथोपुर फॉरेस्ट शाहू डांगी। अगर आपको लोकेशन पता करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई टेंशन मत लो, क्योंकि मैं होम स्टे का नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनसे कॉल कर लेना, वो आपको पिकअप कर लेंगे। गाइस हमने आपको नाइट का व्यू दिखा दिया, यहाँ का फूड दिखा दिया, एम्बियंस दिखा दिया,
एंड ट्रूली बताना तो मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आया, स्पेशली आप यहाँ पर अपने फरी बेबीज को भी लेकर आ सकते हो। उसके साथ साथ एम्बियंस का बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पर, गार्डन भी बहुत प्यारा है, आपको पूरा टी स्टेट का व्यू भी मिल जाएगा आपके रूम से। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे पेज फूड्स ऑफ सिलीगुड़ी को फॉलो कर लेना ऐसे और भी अच्छे वीडियोज देखने के लिए। बाय।